किसान चोट लगने पर मिट्टी लगा लेता है और हॉस्पिटल तक नहीं जाता है, और वो अपने खेत से दिल्ली आ गया, तो इसका मतलब है कि बात बहुत बड़ी है। तो साहब, आप उसमें संशोधन क्या करेंगे? आप जो है प्राइवेटाइजेशन पे करने जा रहे हैं उसका, और किसान वही होने नहीं देना चाह रहा, और अगर ये हो गया तो किसान अपनी ही जमीन पे बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। नमस्कार, मैं रजत, आप देख रहे हैं जनता फोरम। किसान आंदोलन बहुत तेजी से चल रहा है। सरकार संशोधन की बात कर रही है और किसान बिल वापसी की बात कर रहे हैं। किसानों का साफ तौर पे कहना है कि आप हाँ और ना में जवाब दीजिए। इसी क्रम में जब राजनीतिक दल समर्थन में उतरते हैं, जैसे अगर बात करें कि परसों जब समाजवादी पार्टी पूरी तरह से समर्थन पे उतर गई, रोड पे उतर आई और किसान यात्रा शुरू करने की, निकालने की, किसानों के समर्थन में बात हुई, तो पहले तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नज़रबंद किया जाता है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी करी जाती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ धीरज यादव जी मौजूद हैं। धीरज जी, पहले तो जनता फोरम में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद आपको इसलिए भी देना चाहूँगा कि लगातार आप किसानों के मुद्दों को उठा रहे हैं, उनके हक की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपको। शुक्रिया धीरज जी। पहला सवाल ये है कि सीधी मुद्दे पे बात करते हैं कि जो अखिलेश यादव जी की पहले नज़रबंद किया जाता है और फिर गिरफ्तारी करी जाती है, इस प्रकरण को कैसे देख रही है समाजवादी पार्टी? देखिए, किसानों के समर्थन में आदरणीय अखिलेश यादव जी 7 तारीख को अपने आवास से, जो देश का सबसे शानदार एक्सप्रेसवे है उसके बगल में जो किसान मंडी है कन्नौज में, वहाँ जा रहे थे किसानों के समर्थन में। तो सुबह क्या रात से उनके घर के बाहर जो है पूरा बहुत बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। हम लोग रात से ही वीडियोज़ फ़ोटोज़ देख रहे थे कि किस तरीके से बैरिगेटिंग करके उनको घर पर जो है बंद रखा जा रहा है। तो हम लोग सुबह 10 बजे जब उनके घर के बाहर पहुँचे कि नहीं हम लोग जाएंगे साथ में उनके, तो बहुत बड़ी मात्रा में पुलिस बल वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर पहले से ही था। और जब हम लोग वहाँ जाने लगे तो बहुत अभद्रता भी की गई, हमारे कई साथियों को चोटें भी आईं। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने घर से बाहर निकले तो उनको जाने से जब रोका गया तो हम लोग आगे चौराहे पे बैठ गए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, COVID-19 के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए, मास्क लगा के। और फिर उसके बाद जाने नहीं दिया गया तो हम लोगों को फिर पुलिस गिरफ्तार करके इको गार्डन ले आई, और फिर शाम को जो है 5 बजे रिलीज़ किया। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर किसानों की बात करना अपराध है तो ऐसे मुकदमे और ऐसे अपराध हम लोग देना चाहेंगे हमेशा। धीरज जी, जो रवैया सरकार की तरफ से है, जैसे 26 तारीख जो ऐतिहासिक दिन है, हमारा संविधान दिवस था 26 तारीख को, 26 तारीख से आंदोलन शुरू होता है, सरकार की तरफ से बात होती है कि 3 तारीख को हम बात करेंगे, इतना बड़ा गैप जो किसान, क्योंकि जब सत्ता का रास्ता होता है वो किसानों की तरफ से होके जाता है, किसानों के साथ होके जाता है, इस रवैये को सरकार का कैसे देखते हैं कि पहले किसानों पे वाटर कैनन छोड़ा जाता है, फिर 2-3 दिन उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि लगता है कि शायद किसान है, थक हार के वापस चले जाएंगे, मगर जब किसान अपनी बात पे अड़े रहे तो फिर बातचीत का दौर शुरू होता है, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं सरकार का जो ट्रीटमेंट है किसानों को लेके, क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो किसान चोट लगने पर मिट्टी लगा लेता है और हॉस्पिटल तक नहीं जाता है, और वो अपने खेत से दिल्ली आ गया, तो इसका मतलब है कि बात बहुत बड़ी है। बिल्कुल। तो 25 से अगर 3 तारीख तक के बात करें तो बीजेपी बहुत कंफ्यूज है अपने आप में ही। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब आप किसी के हित की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप उससे एक बार कंसर्न कर लें कि साहब हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, क्या है उस पर। आप एक बार किसानों से बात करिए कि इस पर क्या संशोधन हो सकता है, क्या चेंजेस और लाए जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी बात करने को नहीं तैयार हो रहा है, और बात अगर कर भी रहा है तो साहब आप उसमें संशोधन क्या करेंगे? आप जो है प्राइवेटाइजेशन पे करने जा रहे हैं उसका, और किसान वही होने नहीं देना चाह रहा, और अगर ये हो गया तो किसान अपनी ही ज़मीन पे बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। धीरज जी, जैसे देख रहे हैं कि अब सरकार की तरफ से भी एक बैकफुट पे सरकार है और किसानों की बात सुन रही है, चर्चाएं चल रही हैं, जैसे कल ही संशोधन पे सरकार तैयार है, तो क्या लगता है कि संशोधन से बात बन जाएगी या इस प्रदर्शन आगे चलेगा, और जैसे किसान मांग कर रहे हैं कि बिल की वापसी चाहिए, क्या कहती है समाजवादी पार्टी का? शुरुआत से ये कहना है कि जो किसानों की मांगे हैं आप उनको पूरा करिए। अगर आप संशोधन भी कर रहे हैं तो जो किसान अपने मुद्दे लेके आए हैं, आप MSP को जो है एकदम फिक्स कर दीजिए, और अगर MSP से कम रेट पे कोई खरीदता भी है तो उसको अपराध घोषित कर दीजिए। तो जो भी उनकी मांगे हैं आप उनको पूरा करिए, समाजवादी पार्टी उनके साथ में है, किसानों के साथ खड़ी है। धीरज जी, एक आखिरी सवाल कि अगर सरकार का यही रवैया रहा और अगर जो किसान सेटिस्फाई नहीं हुए सरकार के वजह से, तो समाजवादी पार्टी आगे क्या करने वाली है? लगातार हम लोग
और पूरी समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। और जिस तरह से आदरणीय अखिलेश यादव जी को 7 तारीख को कन्नौज जाने से रोका गया, उस दिन से लेकर आज तक हम लोग किसानों के साथ खड़े हैं। और अगर किसानों की बात को नहीं माना गया, किसान की बात को, तो हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे और इस पूरे प्रकरण में हम लोग मजबूती से किसानों के साथ डटे हुए हैं। शुक्रिया धीरज जी। ये हमारे साथ धीरज यादव जी थे, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि समाजवादी पार्टी हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करेगी किसानों के साथ खड़े होने की, पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी हुई है। इस साक्षात्कार से जो भी सवाल आपका जुड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल के साथ जुड़े रहिए, जो भी अपडेट होगी किसान आंदोलन से वो आप तक पहुंचाते रहेंगे।